हेलो वांगशा लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का पार्ट शुरू करने से पहले यार काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि अनटिल द एंड आपने अभी तक क्यों अपलोड नहीं किया। तो मेरे पास वैसे उसके सारे पार्ट्स हैं, लेकिन सेकंड पार्ट पता नहीं कैसे मिसिंग है। काफ़ी लोगों ने कमेंट्स में मुझसे ये कहा था कि हमने आपके वीडियो सेव किए हुए हैं, तो अगर आपके पास अनटिल द एंड फैन फिक्शन सेव है तो प्लीज़ उसका सेकंड पार्ट मुझे कैसे भी सेंड कर दीजिए, जिससे मैं सारे के सारे वीडियोज़ को बैकअप वाले चैनल पर अपलोड कर सकूँ। मेरी इंस्टाग्राम और जीमेल आईडी दोनों ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ हो सके तो सेकंड पार्ट मुझे शेयर कर देना। ओके, तो आज का लास्ट पार्ट इस फैन फिक्शन का शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था अपनी हॉट सी नाइट के बाद फाइनली विंगिंग और वांग जी अपने दिन की शुरुआत करते हैं। इनकीपर उनका दरवाज़ा खटखटाती है और उनसे कहती है आसपास के लोग शिकायत कर रहे हैं कि आपके रूम से पूरे रात भर आवाज़ें आ रही थी। बेचारे वांग जी की पूरी स्किन रेड हो गई थी और वेइंग हंसते हुए उन दोनों के सामान पैक कर रहा था। वो दोनों अपने रूम से बाहर निकल रहे थे तभी वेइंग वांग जी से कहता है, लंजा क्या तुम सामने वाले रूम में जाकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हो कि रात को तुमने क्या किया था। वांग जी को पता था कि वेइंग फिर उसे टीज कर रहा है। वो तुरंत उससे कहता है बिल्कुल नहीं और आगे की तरफ जाने लगता है। तभी वेइंग उससे कहता है हस्बैंड प्लीज़ थोड़ा धीरे चलो, रात को तुमने जो हालत की थी उस वजह से मैं बिल्कुल ठीक से नहीं चल पा रहा हूँ। वांग जी डांटते हुए उसका नाम लेता है और तुरंत आसपास देखता है कि कहीं किसी ने उसे सुन तो नहीं लिया। वेइंग फिर हंसने लगता है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता जब मैं इस तरह बातें करता हूँ, जब मैं सबको बताना चाहता हूँ कि तुमने मेरे साथ क्या किया था। इतने सारे लोग जो तुम्हें प्योर और प्रिंसिपल्ड हांगुनजुन मानते हैं, उन सबको तुम्हारे बारे में पता चलना चाहिए ना। वांग जी तुरंत सीढ़ियों की तरफ जाने लगता है और वेइंग से भी चलने के लिए कहता है। आफ्टरनून के समय वो दोनों विलेजर्स से क्वेश्चंस करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि और ज़्यादा वहाँ हमले नहीं हुए हैं। बहुत जल्दी ही उन्हें उस सेकंड मॉन्स्टर के बारे में भी पता चल जाता है, क्योंकि फर्स्ट मॉन्स्टर के मर जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया था। वेइंग और वांग जी को वो मॉन्स्टर एक फॉरेस्ट में मिलता है। वो दोनों मिलकर उस पर हमला करते हैं। मौका मिलते ही वेइंग तुरंत सुइबियान से उस पर वार कर देता है, जिससे उस मॉन्स्टर का ब्लड वेइंग के रूप्स पर लग जाता है। वांग जी तुरंत वेइंग को पीछे करता है। वो मॉन्स्टर अब लाइफलेस हो चुका था, उसमें कुछ नहीं था, लेकिन वेइंग को अचानक कुछ होने लगा था। वांग जी वेइंग को चेक करने के लिए जाता है, लेकिन वेइंग अचानक से उसे ट्री की तरफ खींचता है और उसे किस करने लगता है। एक वेट और डर्टी किस। वेइंग के हाथ वांग जी के रोब्स में थे। वेइंग गहरी गहरी सांस लेते हुए वांग जी से कहता है, लंजा पता नहीं मुझे अचानक क्या हुआ है, लेकिन मुझे बहुत हॉट फील हो रहा है। वांग जी भी एक रफ साउंड निकालते हुए वेइंग को पीछे की तरफ ले जाने लगता है, जब तक उसकी बैक एक ट्री से ना टकरा जाए। वेइंग वांग जी के नेक पर, शोल्डर्स पर किस करते हुए कहता है, हम अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट कर सकते हैं ना, हमें इन वापस चलना चाहिए। लेकिन वो इन तक वापस नहीं जा पाते, क्योंकि वेइंग वांग जी को वही स्ट्रांगली पकड़ लेता है और उससे कहता है, हांगुनजुन तुम्हें आज रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए। ऐसा कहकर वो उसके रोब्स खोलने की कोशिश करता है। वांग जी उसका हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि वो दोनों अभी फॉरेस्ट में थे जहाँ उन्हें कोई भी देख सकता था। वेइंग उसका हाथ हटाते हुए कहता है, स्वीट हार्ट यहाँ कोई नहीं आने वाला। किसने सोचा था कि मॉन्स्टर्स से लड़ने के बाद इतना हॉट फील होने लगेगा। लेकिन वांग जी फिर भी उसका हाथ हटाता है तो वेइंग उससे कहता है, तुम सच में कितने क्रूर हो, मेरी पूरी लाइफ में इस तरह मुझे किसी ने ट्रीट नहीं किया, हमेशा मुझे इग्नोर करते हो। मैं सच में कितना बेचारा हूँ, मेरा खुद का लवर ही मुझे हर बार नेग्लेक्ट करता है। मेरा हस्बैंड एक झूठा इंसान है जो मुझसे कहता है कि वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन वो झूठ कहता है। क्या मेरी बॉडी की वजह से तुम ऐसा कर रहे हो? क्या मैं बहुत ओल्ड हो गया हूँ? मेरी बॉडी अब तुम्हें इस लायक नहीं लगती क्या? मैं ये ट्रीटमेंट बर्दाश्त नहीं कर सकता। वांग जी उसकी हरकतों पर सिर्फ मुस्कुराता है और एक कोल्ड वॉइस में उससे कहता है, टर्न हो जाओ वेइंग, अपने हाथों को ट्रीज पर रखो और बैक मेरी तरफ, बिल्कुल भी मत हिलना। वेइंग सरप्राइज्ड होते हुए उससे पूछता है, क्या करने वाले हो लंजा? जब वेइंग टर्न नहीं होता तो वांग जी खुद उसे फोर्स के साथ टर्न करता है। वांग जी तुरंत उसके ट्राउजर्स निकाल देता है। वेइंग को पता चल गया था कि वो क्या करने का सोच रहा है। वेइंग उससे कहता है, लंजा हम फॉरेस्ट में हैं, मेरी बैक अभी भी हर्ट कर रही है, क्या तुम पागल हो गए हो? लेकिन वांग जी अब अपना पेशेंस ऑलरेडी खो चुका था।
वो यिंग फिर उससे कहता है, लंजा अगर हमें किसी ने देख लिया तो। वांग जी लेकिन अब उसकी कोई बात नहीं सुनने वाला था। वो यिंग ने ऑलरेडी उसे बहुत टीज़ कर लिया था। वो यिंग की पूरी बॉडी बुरी तरह शेक करने लगी थी। वो वांग जी से अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, तुम मुझे इस तरह क्यों बुली कर रहे हो, तुम सच में बहुत मीन हो लंजा। वांग जी जब फाइनली उससे अलग होता है तो वो यिंग कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, हम यहाँ फॉरेस्ट में थे और तुमने वो सब किया। मैंने किस बीस्ट से शादी कर ली है, तुम वही हंगुन जोन हो ना जिसके बारे में सब बात करते हैं, तुम कहीं कोई और तो नहीं हो। एक समय था जब तुम मुझसे लड़ने के लिए तैयार थे बस इस वजह से क्योंकि मैंने तुम्हें पोर्नोग्राफी का एक पेज दिखा दिया था। वांग जी उससे कहता है, उस समय मैं बहुत डरा हुआ था, मुझे नहीं पता था कि मैं क्या चाहता हूँ और किस से चाहता हूँ, किस हद तक चाहता हूँ। वेइंग उससे पूछता है, लंजा क्या तुम्हें हमेशा से मुझ पर क्रश था। वांग जी एक जेंटल वॉइस में कहता है, जब वेइंग को आंसर पता है तो फिर वो क्यों मुझसे ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। वेइंग उससे कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे तो हमेशा से ये लगता था कि तुम मुझसे नफरत करते हो, हमारी शादी हुई उसके बाद भी मैं यही सोचता था। वांग जी उससे कहता है, मैंने तुमसे कभी नफरत नहीं की। हमारी वेडिंग नाइट शायद बिल्कुल डिफरेंट रही होगी लेकिन तुम खुद इमेजिन करो मेरी क्या फीलिंग्स रही होगी जब मेरी शादी उससे हुई जिससे मैं हमेशा से प्यार करता आया था। वेइंग वांग जी को एक सॉफ्ट स्माइल देता है और तुरंत उसे गले लगा लेता है। अगले दिन अब वो दोनों गुसु वापस जाने के लिए तैयार थे। वांग जी पहले से बहुत ज़्यादा खुश था, बार बार वो सोचकर कि किस तरह अब वेइंग हमेशा उसके साथ है। वो बार बार वेइंग को टच करता, वेइंग को पहले कभी भी इतना शाइनेस फील नहीं हुआ था जितना अब उसे वांग जी के टच से फील हो रहा था। वांग जी को इतना खुश देखकर वेइंग उससे कहता है, लंजा तुम पहले से बहुत डिफरेंट हो गए हो, पहले तुम हमेशा टेंस्ड और एंग्री टाइप के दिखते थे पर अब तुम काफ़ी रिलैक्स्ड दिखते हो। वांग जी उससे कहता है, ऐसे चेंजेस एक्सपेक्टेड होते हैं जब कोई प्यार में होता है तो। वेइंग की आंखें वाइड हो जाती हैं। वांग जी उससे कहता है, तुम ऑलरेडी जानते थे। वेइंग कहता है, हाँ लंजा लेकिन तुम बार बार ये सब कहते हो तो मुझे लगता है कि कहीं मेरी सांसें ना रुक जाएं। प्लीज़ अपने पुअर हस्बैंड पर थोड़ा तरस खाओ। वांग जी उससे कहता है, नहीं। वेइंग उसे टाइटली हक कर लेता है। अब वो दोनों गुसु के लिए निकल जाते हैं। जहाँ जाते ही सबसे पहले वो शिचैन से मिलते हैं। शिचैन कहता है, वांग जी मास्टर वे तुम दोनों को सेफली रिटर्न देखकर बहुत खुशी हो रही है। हालांकि तुम लोगों ने जो टाइम बताया था उससे तुम काफ़ी लेट आए हो। वांग जी कहता है, ब्रदर मुझे माफ़ कर दीजिए हम लेट हो गए पर आपको मेरा लेटर रिसीव हुआ होगा। लैन शिचैन कहता है, हाँ मुझे रिसीव हो गया था। तुमने डिसीजन लिया था कि तुम नाइट हंट के लिए वहीं रुकने वाले हो, मैं समझ सकता था तुम्हारा ये एक्शन बिल्कुल सही था। लैन शिचैन वांग जी से पूछता है, क्या उन दोनों मॉन्स्टर्स को मारा जा चुका है? उसने वेइंग की तरफ एक सेकंड के लिए भी नहीं देखा था। वांग जी कहता है, यस अंकल। तभी एक और एल्डर लैन चिंगशान आकर कहता है, वांग जी रीसेंट कॉन्फ्रेंस में तुम मिसिंग थे। वांग जी कहता है, एल्डर किसी अर्जेंट मैटर्स की वजह से मैं नहीं आ पाया था लेकिन मैं नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस ज़रूर अटेंड करूँगा। तभी वहाँ लैन बोचिन आता है और मुंह बनाते हुए कहता है, इस तरीके का बिहेवियर तुमसे एक्सपेक्टेड नहीं था वांग जी, हालांकि मुझे पता है कि ये सब तुमने किसके कहने पर किया होगा। लैन चिरन उन दोनों एल्डर्स से कहता है, मॉन्स्टर्स अटैक की वजह से वांग जी समय पर नहीं आ पाया था। तभी वेइंग कहता है, इसमें मेरी गलती थी मास्टर लैन, मैंने ही लंजा को कन्विंस किया था कि हमें यहाँ रुकना चाहिए और विलेजर्स की मदद करनी चाहिए, वो तो बार बार कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए ही कह रहा था। लैन शिचैन कहता है, जो पास्ट में हो चुका उसे रहने देते हैं, जैसा कि अंकल ने कहा वांग जी और मास्टर वे ने काफ़ी लोगों की जान बचाई है और ऐसी कॉन्फ्रेंस तो आगे और भी होती रहेंगी। लैन बोचिन मुंह बनाते हुए कहता है, क्या पता आगे जाकर भी किसी के इन्फ्लुएंस की वजह से वांग जी ऐसा ही करे। तभी वांग जी आगे आते हुए कहता है, मैंने कौन सा रूल तोड़ा है लैन एल्डर? सारे एल्डर्स एकदम शांत हो जाते हैं। तभी लैन बोचिन कहता है, तुम सेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज से पीछे हटे हो। वांग जी तुरंत आंसर करता है, एक रूल ये भी तो है ना कि हमें कमज़ोर लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। एल्डर की आंखों में गुस्सा देखकर लैन शिचैन कहता है, वांग जी वे मास्टर तुम दोनों ने लॉन्ग जर्नी तय करी है, तुम थक गए होंगे, तुम जाकर अपने रूम में आराम करो।
सारे एल्डर्स गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। लान चुचैन कहता है, वांग जी तुम्हें सेफली रिटर्न देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, और मास्टर वेई, वांग जी को इतनी हाई स्पिरिट्स में मैंने पहली बार देखा है। शिचैन मुस्कुराने लगता है और वांग जी और वेइंग अपने रूम की तरफ आते हैं। जब दोनों अपने रूम में थे तो वेइंग वांग जी से कहता है, लंजा तुम्हें वो करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मुझे पता है कि मैं तुम्हारी लाइफ ऑलरेडी यहाँ डिफ़िकल्ट बना रहा हूँ, आगे तुम कभी भी ऐसा मत करना, मैं तुम्हारी एल्डर्स की बातों को झेल लूँगा। वांग जी उसके चीक्स पर हाथ रखते हुए कहता है, लेकिन मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूँगा वेइंग, तुम मेरे हस्बैंड हो, मेरा सेक्ट, मेरी फैमिली और तुम, मुझे तुम तीनों का अच्छे से ख्याल रखना है, और किसी की मुझे कोई परवाह नहीं है। वेइंग उसके चीक्स को पिंच करते हुए कहता है, तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? हाँ, वांग जी तुरंत उसे किस कर लेता है और उससे कहता है, हाँ बहुत ज़्यादा। वेइंग उसके लिप्स को लिक करते हुए कहता है, तो क्या तुम मुझे अपना प्यार दिखा सकते हो? वेइंग को बस इतना कहने की देर थी और अगले ही पल वो दोनों अपने बेड में थे। वांग जी उसे गोद में ले जाकर सीधे उनके बेड पर लिटा देता है। वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। वेइंग उससे कहता है, मुझे याद आया लंजा, हम हमारे मैरिटल बेड में कभी भी इंटीमेट नहीं हुए हैं ना? वांग जी फिर उसके बेल्ट को खोलते हुए कहता है, हाँ। वेइंग कहता है, तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? वांग जी उसके सारे कपड़ों को खोलकर बस उसे ही देखता रहता है। वांग जी अपने फेस को हाथ से छुपा लेता है और उससे कहता है, लंजा प्लीज़ मुझे इस तरह मत देखा करो। वांग जी तुरंत उसके हाथों को हटाता है और उसकी नेक पर एक लव बाइट करता है। वही गुस्से कहता है, लंजा प्लीज़ कोई भी बाइट के निशान मत छोड़ना, हमें तुम्हारी फैमिली डिनर पर जाना है, भूल गए क्या? मैं इस तरह तो नहीं दिख सकता ना। वांग जी अब उसे फ्लिप कर देता है तो वेइंग कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मुझे फिर से इस तरह ट्रीट किया जा रहा है। मेरा हस्बैंड सच में एक इंसेशियबल बीस्ट है जो इस पुअर हेल्पलेस बॉडी से सब कुछ चाहता है। वांग जी उसे गले लगाते हुए कहता है, तुम जिंगशी में खुश हो ना? वेइंग उससे कहता है, जिंगशी मेरे रूम से बहुत अलग है, ये बहुत क्वाइट है और बहुत क्लीन है, लेकिन जहाँ लंजा है मैं वहाँ खुश हूँ। अब वांग जी उससे पूछता है, क्या तुम कहीं और रहना चाहोगे? वेइंग कहता है, लंजा मुझे पता है तुम्हारे लिए तुम्हारा सेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है और यहाँ रहना भी, मैं नहीं चाहूँगा कि तुम कोई भी ऐसी जगह जाओ जहाँ तुम अनहैप्पी हो जाओ। वांग जी उससे कहता है, तुम्हारी हैप्पीनेस मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करती है। वेइंग कहता है, मेरी चिंता मत करो लंजा, मैं सच में यहाँ ठीक हूँ, तुम मुझे जहाँ रख दोगे मैं वहीं खुश हो जाऊँगा, बस मेरी बेसिक नीड्स को पूरा करते रहना। वांग जी उससे पूछता है, अगर मैं माउंटेन्स पर एक घर बनवाऊँ क्लाउड रेजेस में, जहाँ सिर्फ हम हो, हमारी प्राइवेसी हो और कोई भी ना हो, फिर तुम उस घर में क्या क्या चाहोगे? वेइंग उससे कहता है, सॉरी लंजा, पर मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे पास अपना खुद का कोई घर होगा, इसलिए मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं उस घर में क्या चाहूँगा। वांग जी सॉफ्टली उसके नेक पर किस करते हुए कहता है, तुम्हारे पास बहुत समय है, तुम अच्छे से सोचकर मुझे बता देना। वेइंग थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है, मुझे पता है लंजा तुम्हारे पास बहुत काम होता है तो तुम इसका आंसर ना ही करोगे, लेकिन फिर भी अगर हम वहाँ एक लोटस पॉन्ड चाहें तो? हालांकि यहाँ के क्लाइमेट की वजह से ऐसा पॉसिबल नहीं है। वांग जी उससे कहता है, ठीक है और क्या चाहते हो? वेइंग तुरंत उससे कहता है, हम वहाँ रैबिट्स भी रखेंगे, मुझे पता है कि तुम्हें रैबिट से बहुत प्यार है, तुम दिखाते नहीं हो लेकिन ये तुम्हारा बहुत बड़ा सीक्रेट है। वांग जी फिर उससे कहता है, ठीक है मेरे पास बैक माउंटेन में काफ़ी सारे रैबिट्स हैं, हम उन्हें वहाँ रख लेंगे, और क्या क्या चाहते हो? वेइंग अब उससे कहता है, लंजा तुम मुझसे बहुत सारा काम करवा रहे हो। वांग जी उससे पूछता है, एक गार्डन कैसा रहेगा? वेइंग कहता है, हाँ बिल्कुल, वहाँ पर मैं तुम्हारे लिए काफ़ी सारी चीज़ें ग्रो करूँगा और तुम्हारे लिए कुक किया करूँगा, हालांकि मुझे फील्ड में वर्क करना अभी ठीक से नहीं आता। वांग जी उससे कहता है, कोई बात नहीं, हम विलेजर्स जाया करेंगे, तुम विलेजर्स की मदद ले लेना। वेइंग उससे पूछता है, सच में लंजा तुम सच में मेरे लिए एक घर बनाने वाले हो? वांग जी उससे कहता है, हाँ जैसे ही मैं उसे फिनिश कर लूँगा हम वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। वेइंग तुरंत स्माइल करता है और उसे किस करते हुए कहता है, आई लव यू सो मच लंजा। वांग जी उससे कहता है, मैं तुमसे फिर से शादी करना चाहता हूँ। वेइंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, हाँ मैं तुमसे डेली शादी करना चाहता हूँ।
पर मैं एक सेकेंड वेडिंग भी चाहता हूँ, एक प्राइवेट जिसमें केवल हम दोनों हों। वो यहीं घंसते हुए कहता है, ऑफकोर्स लंजा। दोनों एक दूसरे को गले लगाए सो जाते हैं और यहीं पर हमारा ये फैन फिक्शन ख़त्म हो जाता है। कल से मैं आपके साथ एक न्यू फैन फिक्शन शेयर करूँगी, वो मॉडर्न वाला जो मैंने आपको बताया था ना, टीन वुइंग और टीन वांगजी वाला। उसके एक्चुअली अभी 4 चैप्टर रह गए हैं लिखने से, इसलिए मैं सोच रही थी कि उसको शेयर करूँ या ना करूँ, कहीं ऐसा ना हो कि हम फिर से बीच में अटक जाएँ। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि उसी को शेयर करूं या फिर किसी और को स्टार्ट करूं। आई होप आज का पार्ट भी आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।